हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। आज आदि तो घर पे ही रहेगा, मुझे थोड़ा काम से निकलना है, वही डॉक्यूमेंट का चक्कर है, तो वो सब करने के लिए मैं जाऊँगी ऑफिस में। और लेकिन उससे पहले मैं मानिक तल्ला भी जाऊँगी, क्योंकि पापा की दवाइयाँ खरीद के देना है, तो मैं सोची पहले ये काम कर लेती हूँ। 12 बजे के बाद जाना है ऑफिस, तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मानिक तल्ला की ओर, वहाँ से दवाइयाँ लूँगी। दवाई लेके मम्मी के घर में दे देंगे और इसके बाद फिर ऑफिस का काम के लिए चलेंगे। तो दिन भर जो कुछ भी करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे, बने रहिएगा आखिर तक। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। और आज का ब्लॉग अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो पर एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, बहुत देर ऑलरेडी हो रहा है, निकलती हूँ और रास्ते में जो कुछ भी होगा वो सब आप लोगों को तो दिखाएंगे। आदि फिलहाल आज घर पे ही रहेगा, तो उसका खाना वाना का इंतज़ाम सुबह ही जल्दी जल्दी कर दिए, और क्योंकि हड़बड़ी में किए तो इसीलिए और शूट करने का समय नहीं हुआ है। चलिए, बातें बाद में करूँगी, बहुत लेट हो रहा है, निकलते हैं और चलते हैं, पहले जल्दी जल्दी काम कर। फ्रेंड्स, जब तक मैं मानिक तल्ला पहुँचती हूँ तब तक एक चीज़ के बारे में बात करना चाहती थी। दरअसल मेरे कुछ ब्लॉग्स में कभी कभार ना कमेंट्स आ जाते हैं कुछ लोगों के कि आप कितना बीमारी बताती हैं। मतलब मैं कभी कभार बोलती हूँ ना, पाँव में दर्द रहता है, हाथ में दर्द रहता है, या जिस दिन के ब्लॉग में आया था उस दिन सर में दर्द था बता रही थी, तो किसी ने कहा कमेंट में कि आप कितना बीमारी बताती हैं। तो उनको मैं खास करके कहना चाहूँगी, मैं जितना भी बीमारी बताऊँ अपने चैनल पे बताती हूँ, आपको अगर ना पसंद है तो आप देखने ही क्यों आती हैं या आते हैं, जो भी वो थे पता नहीं, तो मत देखा कीजिए अगर आपको परेशानी है मेरी बीमारियों से। मेरे व्लॉग्स में जो है जो भी जेन्युइन चीज़ है, जब मैं खुश हूँ तो खुश दिखूँगी, जब मैं दुखी हूँ तो दुखी दिखूँगी, बीमार हूँ तो बीमार भी दिखूँगी। तो फालतू की नौटंकी मेरे चैनल पे होती नहीं है, जो भी जेन्युइन बातें हैं वही होती हैं। ना पसंद हो तो मत देखा कीजिए। फ्रेंड्स, पहुँच गए मानिक तल्ला, दो ऑटो चेंज करके अब थोड़ा डीओ लेना है, ले रहे हैं घर के लिए, उसके बाद दवाई ले लें। ले लिए अब जा रहे दवाई के दुकान में, दवाई ले लें, थोड़ा सा दही ले लेंगे, सोच रहे ये सब कुछ माँ के घर रख के फिर जाएंगे ऑफिस। ऑफिस जाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट तो सब लेके ही आए हैं, बस मम्मी घर सामान सब रखेंगे और निकल जाएंगे, रहेंगे नहीं, देर हो जा रहा है। आ गया दवाई का दुकान, दवाई ले लें, इसके बाद दही लेके चलेंगे घर। जा रहे हैं गंगूराम, पीछे वाला गंगूराम में ना सफ़ेद दही ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो बाज़ार से ही गली से होते हुए जा रहे हैं पीछे गंगूराम, ले लेते हैं, इसके बाद चलेंगे माँ के घर। आप लोग बोल रहे होंगे पीछे गंगूराम, मैं बोल रही हूँ पीछे गंगूराम का क्या मतलब हुआ। दरअसल हमारे घर के अगल बगल ना दो गंगूराम है, एक मेन रोड पे, एक पीछे साइड भी डॉन स्ट्रीट में। तो जो मेन रोड पे है शीतला मंदिर के पास, वो गंगूराम से ज़्यादा बेहतर दही होता है हमारे यहाँ पीछे वाले गंगूराम में, सफ़ेद दही की मैं बात कर रही हूँ। और मम्मी लोग तो सफ़ेद दही ही खाती है, डायबिटीज़ है, तो इसीलिए पीछे गंगूराम जा रहे हैं। बने रहिएगा फ्रेंड्स आखिर तक, और थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर मुझसे कुछ बातें करनी हो या ब्लॉग कैसा लग रहा है अपना फीडबैक देना हो। चलिए, पहुँच गए गंगूराम, दही भी ले लूँ, इसके बाद फिर घर चलेंगे। हो गया फ्रेंड्स, ले लिए दवाई ववाई सब कुछ साथ में, मेरा तो एक फाइल भी है लाल पैकेट में। अब चलिए बस घर में मम्मी को दे दें, इसके बाद यहाँ से जाएंगे डलहौजी, जो ऑफिस में जाना है। प्यास लग रही है, घर जाऊँ पानी पीऊँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ, गर्मी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, डे बाई डे गर्मी जो है ना और ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा गर्म से। चलिए घर पहुँचे, मम्मी घर आ गए, आके थोड़ा पानी वानी पिए, मिठाई उठाई खाए, अभी थोड़ा शांति, इतना गर्मी है ना कि बाहर हालत ख़राब, और अभी तो फिर जाना ही है, तो अब निकलेंगे। थोड़ी देर बैठ गए थे मम्मी के घर में, एसी चल रहा था, इतना गर्मी है ना, अब जा रहे हैं, अब
चले फिर यहाँ से बस लेंगे, मानी कल्ला से ही बस मिल जाएगा, जाएंगे डलहौजी। चलिए अब तो रोड क्रॉस करेंगे, बस बस में बैठेंगे फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। गर्मी से ना हालत ही खराब हो जा रहा है, यहाँ तो फिर भी फुटपाथ से जा रहे, थोड़ा छाँव है तो अभी थोड़ा दूर पैदल जाएंगे तब ऑफिस आएगा जहाँ जाना है मुझे। तो ऐसा करते हैं ऑफिस का काम कर लेते हैं, निकलते हैं तब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑफिस के अंदर तो वैसे भी कैमरा अलाउड रहता नहीं, तो बस जब तक पहुँच रही हूँ तो बात कर ले रही हूँ, फिर कैमरा ऑफ कर देना होगा। अब देखिए वहाँ कितना देर लगेगा, लाइन वाइन ज़्यादा लगाना पड़ा तब तो बहुत देर लग जाएगा, देखते हैं। निकलेंगे ऑफिस से, इसके बाद फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। बैंक ऑफ इंडिया का म्यूजियम है, अब लिखा तो है म्यूजियम लेकिन वीडियो अलाउ रहेगा कि नहीं मालूम नहीं, और मेरी हालत जो है बहुत ख़राब हो चुकी है, कई घंटे से काम होते होते अब जाके तारीख को आने के लिए डेट मिला है, आज हुआ नहीं है, फिर भगाना होगा। तो इससे अच्छा आज वीडियो रहने देते हैं म्यूजियम का, आज मैं जाऊँ कुछ खाऊँ पीऊँ और घर जाऊँ, यही सोच रहे हैं। भयंकर गर्मी है कि एकदम हालत ख़राब, और ब्लॉग बनाने का भी सच कहूँ तो मन नहीं हो रहा, देखूँ कहीं कुछ लस्सी वगैरह मिलेगा रोड साइड पी लेंगे उसके बाद घर चले जाएंगे फ्रेंड्स, और क्या ही ब्लॉग बनाएं। टैक्सी लेके ही घर जा रहे हैं, अब घर जाके रेस्ट लेंगे, तो ब्लॉग जो है आजकल यहीं ख़त्म कर रहे हैं, और कल मिलूंगी फिर एक नए ब्लॉग के साथ, आज यहीं तक। चैनल पे न्यू हूँ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा हुआ अगर तो वीडियो पर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ना ज़्यादा गर्मी है ना हालत खराब हो जा रहा है। चलिए कल मिलूँगी, बाय बाय।